मेला को शुरू होने में 3 दिन शेष, फाइनल टच नहीं दे पाए अधिकारी गोवर्धन। मुड़िया पूर्णिमा मेला के शुरू होने में 3 दिन शेष होने के बाद भी अधिकारी व विभागीय कर्मचारी फाइनल टच नहीं दे पा रहे हैं। मेला की अंतिम तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र व SSP शलभ माथुर ने राजस्थान व अन्य अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागों के कार्यों की समीक्षा की। लोक निर्माण विभाग व जल निगम को सोमवार रात में ही शेष कार्य पूर्ण करने के निर्देश देते हुए लापरवाही बरतने पर सस्पेंशन की चेतावनी दी है। बैठक में SDMD साधुराम जाट ने राजस्थान अंतर्गत परिक्रमा मार्ग में की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी। बैठक में मेला अधिकारी ADM प्रशासन सतीश चंद्र त्रिपाठी ने लोक निर्माण विभाग, जल निगम व विद्युत विभाग को सचेत किया। उन्होंने कहा कि अगर यह 3 विभाग लापरवाही बरतेंगे तो दुर्घटना संभव है। मेला में पंचायती राज अधिकारी प्रीतम सिंह ने मेला के दौरान 17 किलोमीटर परिक्रमा मार्ग में सफाई के लिए 680 सफाई कर्मी तैनात करने की बात कही। बैठक की अध्यक्षता करते हुए क्षेत्रीय विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह ने जिला प्रशासन को मेला की चाक चायवंद व्यवस्थाएं करने को कहा। विधायक द्वारा मेले के दौरान जीव कतरों व उठाई गिरों की समस्या को उठाते हुए गंभीरता से प्रतिबंध लगाने की बात कही। संत वन विहारी दास ने कच्ची परिक्रमा मार्ग में पड्डी छोटी छोटी गिट्टियों की समस्या व चुभन से अवगत कराते हुए गिटिया अधिकारियों के आगे टेबल पर रख दी। SSP शलभ माथुर ने कहा कि मेले की सुरक्षा में ड्रोन कैमरे भी लगाए जाएंगे। जेब कत्रों व उठाई गिरों पर साधा वर्दी में फोर्स तैनात कर नियंत्रण किया जाएगा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी राम निवास, अपर जिलाधिकारी ब्रिजेश कुमार, SP ट्रैफिक डॉक्टर ब्रिजेश कुमार, SP देहात आदित्य कुमार शुक्ला, CMO डॉक्टर शेर सिंह, सचिव विप्रा ईश्वर चंद, व्यापार मंडल महामंत्री गणेश पहलवान, अध्यक्ष संजू लाला, रघुनाथ दास गद्दी के महंत केशव दास आदि थे। और अभी भी विकास कार्य अधूरे पड़े हुए हैं? नहीं, अधूरे नहीं पड़े हैं। पहली चीज तो 5वीं बैठक है, कुछ जगहों पे छोटी मोटी चीजें छूटी हुई है। अभी 2 दिन का समय है, अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। SDM, ADM ये भी संबंधित विभाग को जो PWD को काम करना है उनको, जो जल निगम को करना है उनको, जो नगर पंचायत को करना है उनको, लोगों के साथ। जल निगम के नाले टूटे हुए हैं, जल निगम वही तो बात हुई है कि जहाँ पे एक दो जगहों पे खुले हैं वो बनेंगे नहीं, उसमें जो ढक्कन इत्यादि लगेगा लग जाएगा। अगले अभी तो कल तक का समय है और अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि जो दो चार स्थान छूटे हों उसमें लगा देंगे। सर, मेला के दौरान जैसे कि मदरा की दुकान है या भांग की दुकान है, ये सब प्रतिबंधित रहेंगे? जो आदेश होते हैं शासन को उसका अनुपालन कराएंगे।